नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। मैं इनका स्वागत करता हूँ, साथ ही इन्हें आश्वस्त करता हूँ कि पार्टी में इन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, इसलिए नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। वहीं मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की खुशहाली और विकास के लिए इस बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है, इसमें कोई चूक मत करना और एक एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करना। इसके अलावा बड़खल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से उन्हें विजयी बनाने की भी अपील की थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को उल्टे पैर लगाए हैं। कांग्रेस के मंजूर प्रोजेक्ट या तो अटकाए गए हैं या फिर रद्द करवाए गए हैं। जनता कांग्रेस के काम और भारतीय जनता पार्टी के राज को तोड़ चुकी है। आज पूरे प्रदेश में यही हवा चल रही है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अब ऐसे में चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान देना कहीं ना कहीं अब राजनीतिक हलचल को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो उससे तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी की सरकार वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर एक नई सरकार का गठन हरियाणा की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।